my dear students let's uh, take a look on an example and by giving you the example it will explain that how the new concepts are important in extending the management theories and management thought in future and i'm taking this specific example from honda and remember now first of all being a management student, Honda automaker. Mr. Honda was not uh, an owner of Honda. He was an ordinary worker. But he was a competent worker, he was a dedicated worker, he was a trustworthy worker. One day, he became CEO. ऑफ लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर। होंडा का जो इंजन होंडा ने बनाया घास काटने वाली मशीन होंडा की उसमें भी वही इंजन है छोटे साइज का है सीडी सेवेंटी मोटरसाइकल उसमें भी वही इंजन है टेक्नोलॉजी वाइज जरा साइज बड़ा है होंडा कार के अंदर भी वही इंजन है और जरा बड़ा साइज है सी हाउ दी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लेकिन आज जो मैं बात आपसे शेयर करने लगा हूं इन अदर वर्ड्स होंडा इज एन इनोवेटिव कंपनी और भी है लेकिन जस्ट टू टेक एन एग्जांपल एंड बाय द वे मैं कोई होंडा का सेल्समैन नहीं हूं लेकिन चूंकि मैनेजमेंट की किताबों के अंदर इसकी एग्जाम्पल आपको नजर आएगी तो उसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए कॉन्सेप्ट क्या जो शेयर कर रहा हूं मैं आपसे वो है मैन वर्सेस मशीन या वुमेन वर्सेस मशीन यंग इंजीनियर्स एंड यंग मैनेजर्स हुईनिंग द होंडा कंपनी इन जापान पुराने इंजीनियर और पुराने मैनेजर्स जो सीनियर थे इनोवेशन में बिलीव करती है ना होंडा कंपनी तो उन्होंने इन नए इंजीनियर जो अभी अभी नए ग्रेजुएट होकर आए हैं यूनिवर्सिटी से नया नॉलेज लेकर आए हैं उन्होंने उनको एक टास्क दिया और टास्क क्या था एंड रियल स्टोरी टास्क क्या था टेक वन मंथ लीव गो एंड सेट इन सम गुड प्लेस होटल या किसी बीच पे चले जाइए टेक वन एंड कम अप विद न्यू डिजाइन ऑफ ए कार चले गए अब उसमें नए इंजीनियर भी हैं नए मैनेजर भी हैं बिजनेस डेवलपमेंट, एमबीए वाले करेंगे डिजाइन एफिशिएंसी, इंजीनियर सो दे आर वर्किंग टुगेदर काश पाकिस्तान के अंदर भी एम बी एज और इंजीनियर्स मिलकर अपना कोई बिजनेस आइडिया लॉन्च करें बहरहाल इस वक्त तो होंडा की एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है तो आठ दस दिन पंद्रह दिन उन्होंने काम किया आउटकम क्या थी अच्छा जी इसकी आ, मशीन की आरपीएम बढ़ा दें इसकी ब्रेक की एफिशिएंसी बढ़ा दें इसकी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा दें जो टेक्निकल डिजाइन के अंदर इंप्रूवमेंट्स थे दस पंद्रह दिन के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि क्या वाकई इस काम के लिए हम जो यहां छह इंजीनियर और छह मैनेजर्स बैठे हैं हजारों डॉलर की तनख्वाह हमें वो दे रहे हैं और प्लस हमारे यहाँ बैठने का सब खर्च उन्होंने बर्दाश्त किया है इस काम के लिए उन्होंने ये सब खर्च बर्दाश्त किया है a new thought came into the mind of someone no 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 it shouldn't be like this they must be expecting from us a radical innovation not incremental not component acha what could be radical innovation so they sat down on table the radical innovation idea came what is the most important component in the car? Is it the machine of the car most important? Or is it the driver who is sitting in the car most important? Man driving the machine is important? Or the efficiency of the machine is important? A question is raised I कि मशीन तो और भी जाए ले, ले आएंगे लेकिन बंदा फौत हो गया एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर फौत हो गया वो कहां से आएगा ये तो नहीं मिलेगा सो द कॉन्सेप्ट नंबर वन एज कंपेयर टू मशीन द मैन और द इज ड्राइविंग द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अच्छा भाई फिर हम जो मशीन पे काम कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे तो लेट्स कम अप विद डिजाइन ऑफ ए कार विच शुड बी प्रोटेक्टिंग द ड्राइवर द मैन ड्राइविंग द मशीन इन एन एक्सीडेंट तो अब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक कंप्लीटली नया स्ट्रक्चर बना आर्किटेक्चर बना और फॉर द फर्स्ट टाइम होंडा सिटी का जो स्ट्रक्चर सामने आया उसका जो कैबिन का स्ट्रक्चर है जो उसकी चेसी का स्ट्रक्चर है वो डबल बैरल है एक कैबन अंदर है एक कैबन उसके बाहर नजर नहीं आता है बट यू लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हॉंडा सिटी डिजाइन फॉर द फर्स्ट बाद में हो सकता है उन्होंने दूसरी कारों के अंदर भी किया हो या इस डिजाइन को दूसरी कंपनियों ने भी अडॉप्ट बट फॉर द फर्स्ट टाइम इनोवेशन केम द लेट देर बी अ डबल कैबन यही चीज विंडशील्ड के अंदर भी है लेट देयर बी टू ग्लासेस ज्वाइन टुगेदर और आप देखिए कभी भी विंडशील्ड जब एक्सीडेंट होता है तो ब्रेक नहीं करती है इन टू पीसेस डबल कैबिन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था इट विल इन फॉर्म ऑफ एन एक्सीडेंट मोस्ट लाइकली विल सेव द ड्राइवर तो इसका मतलब यह हुआ कि मैन वर्सेस मशीन कॉन्सेप्ट के अंदर हमेशा जहन में रखिए इंडिविजुअल Human, worker, in insan is more important than the machine. Machine can be replaced, human cannot be replaced. Thank you very much.